Very nice. Very hello, nice. Ma'am. Atma namaste, ma'am. Atma namaste. एक्चुअली तो हम सबकी जर्नी एक ही जैसी है, तो जो भी नए लोग सुन रहे हैं उन लोग को तो ऐसे ही लगेगा कि हम सब एक ही जैसा बोल रहे हैं, पर भगवान के मिलने के लिए और भगवान के पास जाने के लिए सबकी तड़प एक ही जैसी होती है, उसमें कुछ नया नहीं होता। और हम जा भी एक ही गुरु के पास रहे हैं, वैसे वो गुरु गुरु जैसा है नहीं, लेकिन वो वर्ड यूज करने के लिए खाली गुरु है, तो हम लोग को एक्सपीरियंस भी एक ही जैसे होते, क्योंकि माँ कभी कम ज्यादा नहीं देते, ना वो किसी की हैसियत देखते हैं ना किसी की लाइक देखते हैं, वो जो भी देते कंप्लीट देते, उसमें से जो जिनको मिलना है वो उसको मिलता है, भले आज 1% मिला है तो कल 2% मिलेगा, लेकिन सबको मिलता एक ही जैसा है। तो हम सबकी जर्नी एक ही जैसी है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब नैना जी बता रहे थे तब उनका कुछ अलग था मुझसे, जब प्रीति जी बताते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि मेरा कुछ अलग था, जितने नैना जी के क्वेश्चन थे उससे भी ज्यादा शायद मेरे क्वेश्चन रहे होंगे। जिस खाली बस इतना है कि हम लोग अलग अलग तरीके से दीदी के पास आए, किसी के थ्रू आए या किसी ने उनको यूट्यूब से ढूंढा है, तो बस आने के तरीके अलग है हम सबके, पर हम सबकी चाह एक ही थी कि हम लोग को कहीं अधूरापन लग रहा था, किसी चीज की इतनी ज्यादा तड़प थी कि किसको बताए क्या चाहिए, क्योंकि खुद को भी तो नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चाहिए एक्चुअली में, तो बताने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आ जाओ, जो लूटना है लूट लो, और उसकी कोई लूट को बस खाली एंजॉय करो। सो आपको आपका ब्लिसफुल एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्योंकि आप मेरे ख्याल से सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट हैं, मतलब मैं तो सबसे ओल्डेस्ट हूँ, मेरे बाद वाले आप हैं। अरे रीना बहन, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और आप भगवान के स्टूडेंट हैं, बस इतना फर्क है। तो आप मुझे अपना गॉड के साथ एक्सपीरियंस बताइए प्लीज। दीदी जैसे बोलते हैं तो स्टार्टिंग क्या होती है कि आप उन चीजों को समझते हैं पहले, और समझ के उन बातों को मतलब दूसरी बातों से उस बातों को जब समझते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या वो कहना चाहते हैं, जो बुक्स में लिखा है या जो हम पढ़ते हैं उससे वो बातों का क्या डिफरेंस। पर उस बात को समझ के एक्सपीरियंस पे जाना ये भी एक जर्नी होती है। तो मतलब दीदी ने जो जो बातें बताई कि भगवान से पहले मिलना, तो हाँ भगवान को मिले वो छोटू बेबी का स्टेप होता है, फिर भगवान से मिलने के बाद, क्योंकि अभी तो भगवान मिले हैं तो उनके साथ क्या क्या नए नए भाव आते हैं, आप कोई भी सॉन्ग में कहीं जाएंगे कहीं ठंडी हवा मिल गई या नेचर के साथ हो तो सब जगह ऐसे लगेंगे कि वो आपको टच कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद आपको दीदी धीरे 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 बड़ा बनाते जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते जाएंगे, तो मतलब हर चीज का एक एक्सपीरियंस है। अभी ये नहीं बोलते कि आप ये मत करो, मतलब चैंट मत करो, उनका कहने का ये मतलब होता है चैंट को महसूस करो, आप उसको जियो, अपने अंदर जियो। तो जो भी चीजें दीदी सिखाते हैं वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस जब होते हैं मतलब समझ पाओगे, क्योंकि मैं लास्ट शायद 6 महीने या साल से ही ये एक्टिव समाधि का मतलब समझ पाई हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले ही दीदी को बताया कि बहुत ज्यादा काम के अंदर हूँ, कुछ भी ऐसा रीजन नहीं है कि मैंने आज मेडिटेशन किया और मुझे उसके अंदर मेरी समाधि टिकी हुई है, लेकिन मैं चल रही हूँ फिर भी मेरे अंदर से वो एक फ्लो जा रहा है, मेरे दिल से वो परमात्मा का भाव बह रहा है,
मैं खुशी खुशी सबको ब्लेस कर रही हूँ, मतलब मैं चाहती नहीं हूँ लेकिन वो अपने आप पूरा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव समाधि। जो दीदी बोलते हैं कई बार उन चीजों को समझने के लिए टाइम लगता है, लेकिन मैं सच बताती हूँ, सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं, ना लोग गलत, ना सिचुएशंस गलत, ना कोई भी चीज गलत, हर चीज को देखने का नजरिया ही बदल चुका है। बस खाली मैं इतना बोल सकती हूँ दीदी, जितना भी बोल रहे हैं एक सेंटेंस में आप उसका पकड़ते हो ना, उसको पकड़ो और आपको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। सिर्फ वो शब्द नहीं है, वो एक्सपीरियंस होगा, रियली एक्सपीरियंस होगा। मतलब हम लोग अगर गॉड्स लव बोलते हैं हीलिंग के लिए, लेकिन जब आप गॉड्स लव का एक्सपीरियंस करोगे वो पूरे शब्द का, वो एक अलग चीज होगा। फिर वो बहेगा तब वो एक अलग चीज होगा। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें, और ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। आप चाहे 40 में आए हो, 30 में आए हो, या 20 में आए हो, लेकिन अब से जो जिंदगी स्टार्ट होती है ना, वो रियल लाइफ है, और ये रियल फैमिली है आपकी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी को किसी से जेलसी हुई, या कोई किसी को पुल डाउन करना चाहता है, या कोई किसी से आगे, कोई किसी के पीछे, क्योंकि सब भगवान के बच्चे, कोई किसी के आगे नहीं जा सकता, कोई किसी के पीछे नहीं रह सकता, एक ही भगवान के बच्चे, सब एक समान है। तो मतलब वो भी भाव नहीं, कहीं पे भी कंपैरिजन नहीं, कहीं लूटने का भाव नहीं, मतलब बहुत अलग है। जब हम दूसरे दूसरे जगहों से आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कोई किसी से जलेस होता है, या किसी को कुछ और होता है, बहुत सी बातें होती है, पर यहाँ पे सब अपने हैं और सब आपको अपनापन देंगे भी, सही आप ये महसूस भी करोगे। मुझे नहीं पता मैं कैसे बताऊ, मेरे पास मतलब ऐसा मुझे डर लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा बता दूंगी, जो अभी अभी बच्चे आए उनको, तो मैं इसलिए थोड़ा रुक रुक के संभल संभल के मैं बोल रही हूँ, मतलब मैं क्या करूं मुझे नहीं पता मैम, आई डोंट नो। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई, और बहुत अच्छी बातें बताई। थैंक यू मैम, ये भी आपका ही है, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो माँ की वजह से हूँ, और मैं जब तक ये धरती पे हूँ तो इनकी वजह से। और रीना, और जब बोलेंगे काम करो तो करना ही पड़ेगा ना माँ, करना ही पड़ेगा ना माँ, वो एक्सक्यूज ही नहीं, क्योंकि कुछ अपना है ही नहीं ना। God's grace है, God's grace है। ठीक है, तो न्यू मेंबर्स हैं, मोस्ट वेलकम, और ये ग्रुप तो मतलब इसलिए बोला जा रहा है कि हम लोग बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, जब आ जाओगे तो सब एक ही दिखेंगे, कोई अलग नहीं दिखेगा। सब एक दिखते हैं, अब फोटोग्राफ्स में भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि आपको लगेगा ये सब शेरिल ही क्यों दिख रहे हैं। सही में, सही में। सच्ची में बहुत, आते वक्त सब अलग अलग होते हैं, जाते वक्त गॉड कनेक्शन के बाद सब शेरिल दीदी सेम दिखने लगते हैं। कोई पहचान नहीं पाता, सब सेम। और ऐसा हम लोग नहीं कहते, हमारे फ्रेंड्स है जो जो किसी को जानते भी नहीं है, वो भी बोलते अरे ये तो इनके जैसे ही दिखते हैं, आप भी इनके जैसे ही दिखते हो। तो ऐसे दूसरे लोग का कहते तब ऐसा लगता है हाँ सही बात है, हमको तो महसूस हो रहा है लेकिन दूसरों को भी महसूस। God's grace, God's grace.